नींदड़ो में हुआ भयानक सड़क हादसा, एक ही परिवार की तीन की मौत। नींदड़ो में जबरदस्त सड़क हादसा, एक ही परिवार की तीन की मौत। दरअसल आपको बता दें, सारा मामला ग्राम नींदड़ो का है, जहां ग्राम प्रधान मोहम्मद राहत के रिश्तेदार, जो के राहत प्रधान के यहां मिलने के लिए आए थे, वो अपने घर मस्जिद जा रहे थे। जैसे ही मोरना थाई के पास पहुंचे, एक गन्ने से भरे ट्रक ने उन्हें कुचल डाला, जहां रोशन और उनकी दोनों लड़कियों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया, जहां नींदड़ू के लोगों ने फौरन उस ट्रक का पीछा किया और ट्रक को मौके पर ही पकड़ लिया। नूरपुर की थाने की पुलिस फौरन ट्रक ड्राइवर को अपने कब्जे में लेकर पहुंच गई। इधर पुलिस ने तीनों शव का पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले रियल इंडिया टीवी पर। नींदड़ू में इस वक्त सबसे भयानक सड़क हादसा हुआ, तीन लोगों की हाथों हाथ मौत, एक ही परिवार की तीन की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। नींदड़ू के राहत प्रधान के रिश्तेदार, जो कि मिलने के लिए आए थे, जैसे ही वो अपने घर मस्जिद जा रहे थे, एक गन्ने से भरे ट्रक ने उन्हें कुचल डाला। एक ही परिवार की तीन की मौत से परिवार वालों में कोहराम मच गया। देखते रहिए रियल इंडिया टीवी, सच सबसे आगे। उत्तर प्रदेश की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शादी हुई थी इनकी, वो मेरे चाचा की लड़की थी।